हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आज के वीडियो में हम बात करेंगे पल्प डिवाइटलाइजर के बारे में, देखेंगे हम इसको कैसे अप्लाई करते हैं और कब अप्लाई करते हैं। एक्सट्रैक्टेड टूथ में मैं आपको अप्लाई करके दिखाऊंगा, तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। और अगर चैनल में आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को क्लिक कर लें ताकि जो नए वीडियोज़ हैं उनकी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। मैं हूँ डॉक्टर हरिशंकर सोनी और आप देख रहे हैं इजी डेंटिस्ट्री। जैसे नाम से ही पता चलता है, पल्प डिवाइटलाइजर, इसका यूज़ हम करते हैं पल्प को डिवाइटल करने के लिए। इसका यूज़ हम कब करते हैं? जब हम आरसीटी परफॉर्म करते हैं तो किसी कंडीशन में ऐसा होता है कि जो लोकल एनेस्थीसिया दिया है, सही टेक्निक से दिया है, उसका असर भी अच्छे से हुआ है, लेकिन जो पल्प है वो अच्छे से एनेस्थाइज नहीं हो पाता, वाइटल होता है और पेशेंट को पेन फील होता है। जैसे हम फाइलिंग करना स्टार्ट करते हैं पेशेंट को पेन फील होता है, तो इस कंडीशन में हम पल्प डिवाइटलाइजर का यूज़ करते हैं। पल्प डिवाइटलाइजर काफ़ी टॉक्सिक होता है, इसलिए बहुत केयरफुली आपको इसे यूज़ करना है। ये गम्स के या बोन के कांटेक्ट में नहीं आना चाहिए। हमें पल्प डिवाइटल करना है तो जो एक्सेस कैविटी हमने बनाई है उसके अंदर ही इसे प्लेस करना है केयरफुली। तो अभी हम देखेंगे कैसे हम प्लेस करेंगे। और प्लेस करने के बाद टेम्परेरी मटेरियल हम लगा देते हैं और 2 से 3 दिनों के लिए छोड़ देते हैं। तो ये पूरे जो पल्प होता है, जो वाइटल पल्प होता है, उसको डिवाइटल कर देता है। और नेक्स्ट सिटिंग में जब हम फाइलिंग करना स्टार्ट करते हैं तो पेशेंट को पेन फील नहीं होता है। तो चलिए इसको देखते हैं कैसे हम अप्लाई करते हैं। तो चलिए देखते हैं पल्प डिवाइटलाइजर कैसे प्लेस करना है। तो यहाँ पर कैविटी बनाई हुई है मैंने, ऐसे हम एक्सेस प्रिपरेशन करते हैं। इसके बाद जो भी पल्प टिश्यू है आप उसको निकाल दीजिए, जितना रिमूव होता है उसको आप ऐसा रिमूव कर दीजिए। और डिवाइटलाइजर लगाना बहुत इजी है, बहुत थोड़ा सा आपको लेना है, बस केयरफुली आपको इसको लगाना है। इसी क्वांटिटी में हम लेंगे और हम इसके अंदर प्लेस करेंगे, इसके अंदर हम प्लेस कर देंगे। मैं जैसे प्लेस करता हूँ वो मैं आपको बता रहा हूँ। इसके बाद छोटा सा कॉटन बॉल बनाइए, इससे प्लेस कर दीजिए। तो बहुत अच्छे से अंदर स्प्रेड हो जाता है, जितना भी पल्प टिश्यू होगा सभी में ये अच्छे से स्प्रेड हो जाएगा। छोटा सा बॉल बनाइए और ऐसा स्प्रेड कर दीजिए। इसके बाद आप चाहे तो इसमें कॉटन लगा दीजिए, कॉटन आपको लगा देना है। और फिर इसके ऊपर हम टेम्परेरी फिलिंग मटेरियल डाल देंगे। ओपन इसको हम नहीं छोड़ेंगे, बहुत टॉक्सिक होता है, जो गम्स हैं उसमें बोन में नहीं लगना चाहिए। इसके बाद हम टेम्परेरी फिलिंग कर देंगे। ऐसे टेम्परेरी फिलिंग कर दीजिए और फिर 2 से 3 दिनों के लिए हम इसको छोड़ देंगे। तो इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही हो तो इस वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें अपने फ्रेंड्स के साथ, और जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को क्लिक कर लें। और अब आप इजी डेंटिस्ट्री को फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। थैंक यू फ्रेंड्स।